अभी हम कोरिया का स्टॉल है। आज आपको पता है महिला दिवस लगभग हम मान सकते हैं इतनी महिलाएं हैं तो आज महिला दिवस चालू हो चुका है ना। तो अभी हम एक स्टॉल में आए हैं और मैंने लड्डू भी खाया, दिखाइए थोड़ा सा, मैंने लड्डू भी खाया है, अलसी सोंठ का लड्डू है। और महिला समूह अब एक व्यावसायिक समूह बन गया है और महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजना है और इनका काम ये है। ये कोरिया से हैं, 2011 से काम कर रहे हैं। ये सोंठ का लड्डू बताइए क्या है? मैं नीलिमा चतुर्वेदी, कोरिया महिला गृह उद्योग अध्यक्ष, कोरिया से हूँ। हम लोग 15 अगस्त 2011 में कोरिया महिला गृह उद्योग से अपने कोरिया जिले के ब्रांड नेम से कोरिया हल्दी, कोरिया मसाला, कोरिया अचार, कोरिया बड़ी, कोरिया पापड़, मतलब सब घरेलू प्रोडक्ट सब हम लोग महिला बना रहे हैं। वहाँ हम लोग 12,000 स्वसहायता समूह की महिलाएं, पूरे जिला की महिलाओं का एक संगठन है जिसमें हम अपने गाँव-गाँव में बना रहे हैं और मिड डे मील में भी और अपने लोकल बाज़ार में भी हम लोग छोटी गाड़ी रखे हैं, बाजार बाजार जाके बेचते हैं। इससे हमारी महिलाओं को 3,000 से 5,000 10,000 जैसा डिमांड होता है, जितना ज़्यादा मांग होता है। अभी हम लोग का एक स्टॉल नोएडा में भी लगा हुआ है, दिल्ली में। हम लोग इस सरस मेला के माध्यम से हर जगह जा जा के प्रगति मैदान में हम लोग 2 लाख 2.5 लाख का बिक्री करके आए थे। तो शासन प्रशासन के माध्यम से सहयोग से हम लोग गाँव से लेके आज शहर में रायपुर और दिल्ली जैसे शहर में जाके हम अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और लोग सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। क्या क्या है बताइए आइए। हाँ, ये क्या है? ये कोरिया हल्दी पाउडर है। हाँ, कोरिया धनिया पाउडर है। हाँ, ये कोरिया हल्दी पाउडर है और ये मीट मसाले हैं, गरम मसाले हैं, कोरिया है। बेसन है, पोहा है। हाँ, बेसन है, आटा है, मल्टीग्रेन आटा है और उस तरफ सभी प्रकार के चावल के, सूजी के, साबूदाना के पापड़ हैं। हाँ, और हम लोग इसके साथ साथ हम लोग अभी छोटे छोटे काम करते हुए भी बड़ा काम भी शुरू किए हैं। अभी पेवर ब्लॉक बनाने का काम किए हैं जिसको पंचायतों में रोड बनाने के लिए आता है वो काम, तो वो बना रहे हैं, फ्लाइयर्स बना रही हैं हमारी महिलाएँ, चैनलिंग फेंसिंग का काम, चप्पल जूते। ये हमारे कोरिया महिला गृह उद्योग को इतने सम्मान मिले हैं। ये देखिए क्या सम्मान मिला बताइए। हम लोगों को 2006 में सरगुजा श्रमशी सम्मान माननीय टीएस बाबा जी के द्वारा मिला, 2012 में IBC 24 से विहान सम्मान, 2012 में छत्तीसगढ़ शासन से मिनी माता सम्मान, 2015 में महिला सशक्तिकरण सम्मान स्मृति जी द्वारा और इसी तरह से 2019 में वुमन ट्रांसफार्मिंग अवार्ड नीति आयोग के द्वारा हम लोगों को मिला और वीरांगना सम्मान अगले साल 22 मार्च को मिला, 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी द्वारा भी वेस्ट आजीविका अवार्ड मिला। इस तरह से हम लोगों को प्रोत्साहन मिला तो हमारी महिलाएं दिनों दिन और आगे बढ़ रही हैं और काम कर रही हैं और हर काम को करने में सक्षम। हम लोग कोरिया जिला में भरतपुर ब्लॉक में हम लोग IIT मुंबई से प्रशिक्षण प्राप्त करके सोलर लैंप बनाने का काम किए जो कि 19,000 सोलर लैंप स्कूल के बच्चों को 100-100 रुपये में दिए। इस तरह से बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, शासन प्रशासन को इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम हमारी महिलाओं का उत्साह वर्धन कर रहे हैं और हमें सशक्त बनना चाहती है। आपका सामान क्यों खरीदें? जनता को हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमारा 100% शुद्धता की गारंटी है, इसको आप किसी भी लैब में टेस्ट करवा सकते हैं, कोई केमिकल नहीं है, शुद्ध सरसों के तेल से हम अपने गांव की महिलाओं से और आप हम समूह के महिलाओं से लेंगे तो हमारे गांव की, हमारे किसान बहनों की जो खेती में गेहूं, आटा, बेसन, चावल उत्पादन कर रहे हैं वही ज़मीन स्तर से हम लोग लेके भरपूर गोबर वर्मी कंपोज खाद से सारा सामान बना रहे हैं, उसमें कोई केमिकल कोई उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये सबके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा। एक चीज और पूछ रहा हूँ, आपने इसको अमेजोन के बाजार में लाया है क्या? अभी प्रोसीजर चल रहा है सर, अभी हम लोग कोरिया जिला में सी मार्ट खोलने वाले हैं। हाँ, तो उसके माध्यम से हम लोग अमेजोन और क्या है कि अभी हम गांव की महिलाएं इतना ज़्यादा ये कंप्यूटर से जुड़े नहीं हैं तो कुछ जानकारी के अभाव से जो हम में कमी है उसके लिए अभी ज़िले में हमारे कलेक्टर साहब CO सर के पहल से ये सी मार्ट खुल रहा है, इसके द्वारा हम ऑनलाइन
पूरे जगह देश विदेशों में अपने माल को बेच सकेंगे। देखिए सही स्वदेशी जो बोलते हैं, ये गांव का स्वदेशी है। अगर आप यहां से सामान खरीदेंगे और उसका उपभोग करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और आपका, ये देखिए ये लड्डू है, ये बड़ी है, ये एकदम शुद्ध है। यानी आपको कहीं आप बाहर से खरीदते हैं तो हमें पता नहीं रहता उसको बनाया किसने है, लेकिन ये चीज़ हमको पता है चतुर्वेदी, हाँ मुरमुरा है, चतुर्वेदी मैडम ने बनाया है। और इसमें अगर कुछ कमी दिखती तो आप इनको बता सकती हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप जल्द ये ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश और देश के लोग इन महिलाओं समूह को आगे कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए कोरिया का, कोरिया साउथ कोरिया नहीं, ये कोरिया का आंवला अचार है। ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। कितने का है? 200 रुपये केजी। हाँ, मुझे आज ये स्टॉल देख के इतनी खुशी हुई कि पहले तो मैं मैडम से ऐसी सुबह भेंट हुआ था, उनके चेहरे में जो प्रसन्नता था वो मेरे को अब समझ में आया, शुद्धता ही उनकी प्रसन्नता है। अच्छा। जैसे MDH मसाले कहते हैं वैसे अभी मैं आंवला का अचार खा के देखा हूँ, अद्भुत टेस्ट है ये, बिल्कुल शुद्ध प्राकृतिक और बिल्कुल स्वादिष्ट है। बात करने के लिए धन्यवाद। नाम बताएं। डॉक्टर कृष्ण कुमार साहू, प्रमुख वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।